राजपूत कंडली सेनाई की तरफ से आज हमने राजस्थान के जो हेड हैं आईनोक्स के उनको हमें लिखित में लेटर दिया है कि लेटर में यही लिखा है कि आप 25 तारीख को इस फिल्म को नहीं लगाओगे जितने भी आपके राजस्थान में आईनोक्स हैं, और ये आप फिर भी इस फिल्म को लगाते हो, कोई भी पोस्टर या स्टिकर आप पूरे राजस्थान में कहीं भी लगाते हो तो ये उग्र आंदोलन होगा जिसमें आपके सेना में जो भी तोड़फोड़ होगी इसकी जिम्मेदारी आपकी है, किसी दूसरे की नहीं रहेगी। यह पुलिस प्रशासन के सामने हमने लिखित में दिया है। आप और जगह भी जा रहे हैं? हमें जयपुर और दूसरे हॉलों में, सिनेमा घरों में भी जा रहे हैं? फर्स्ट सिनेमा और जाएंगे, जिन्हें अमिताभ जो दलीप शर्मा है जिन्हें कल पत्रिका के अखबार में लिखित में आया है कि हमें गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन सुरक्षा देगा तो हम फिल्म लगाएंगे, तो हम उनको भी लिखित में दे के देना चाहते हैं और धमका के भी आएंगे कि आपने फिल्म लगाने की कोशिश की तो सुरक्षा दे, दो दिन रहेगी, तीन दिन रहेगी, आपका जो स्टाफ है या आपको, आपको हम नहीं बख्शेंगे। फिर ये धमकी मान लो या रिक्वेस्ट मान लो आप। नरेंद्र सिंह दिवड़ा, जिला अध्यक्ष श्री राजपूत कंडी सेना जयपुर। घर पे रहोगे नहीं, यहाँ तो रहोगे नहीं, फिल्म लगा के आपके घर पे कार्रवाई करेंगे। जो ओपन है आपको चले। पंचाली तेरी ताना साई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गालवी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बादाना संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मिस्टर टकराव हो गया। देखिए मांग आप सबको पता है, एक साल से राजपूत और पूरा छत्तीस को हमारे साथ रोडों पे संघर्ष कर रहा है। जहाँ तक है हमने पिटीशन हमने भी लगाई, लेकिन हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अब तक नंबर नहीं आया गया, जबकि उसको 36 घंटे में उसके पक्ष में फैसला दे दिया गया। तो हमें विश्वास है भाई, हम कोर्ट का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये फिल्म वाल जो मालिक है ये हमारे भाई है, हमारे प्रदेश के लोग हैं, ये हमारा साथ व सहयोग देंगे और पूरे राजस्थान में किसी भी हॉल में पद्मावती नहीं लगेगी, ये हमें पूरा आश्वस्त है हम हमारे इन भाइयों की तरफ से। और फिर भी अगर कोई इस प्रदेश की मान मर्यादा खत्म करने के लिए, दो पैसा कमाने के लिए फिल्म लगाता है तो उसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम लड़ाई दंगे वो हम करना नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारी संयम की परीक्षा ली गई तो राजपूत अब के बाद संयम की परीक्षा में फेल हो गया, तो ये इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए बहुत बुरा होगा। अमिताभ जी, विवेक सिंह ख्याली, प्रदेश महासचिव श्री राजपूत कंडी। देखिए रिटर्न में इन्होंने रिक्वेस्ट दिया है और हमने उस चीज को इनसे एक्सेप्ट किया है। मैं कंसर्न लोगों को ये फॉरवर्ड करूंगा, उनसे डिस्कस करके उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो क्या आप फिल्म लगेगी आपके सिनेमा? देखिए ये डिसीजन जैसा कि मैंने बताया कि हमारी कॉर्पोरेट कंपनी है और हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, मैं कंसर्न लोगों से बात करके उसके बाद हम लोग देखेंगे। मैंने डेफिनेटली इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके और आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंसाली के नाम मान ले, बोरिया मिस्टर मान ले। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री राजपूत कंडी सेना की तरफ से आज हमने राजस्थान के जो हेड हैं आईनोक्स के उनको हमें लिखित में लेटर दिया है कि लेटर में यही लिखा है कि आप 25 तारीख को इस फिल्म को नहीं लगाओगे जितने भी आपके राजस्थान में आईनोक्स हैं, और ये आप फिर भी इस फिल्म को लगाते हो, कोई भी पोस्टर या स्टिकर आप पूरे राजस्थान में कहीं भी लगाते हो तो ये उग्र आंदोलन होगा जिसमें आपके सेना में जो भी तोड़फोड़ होगी इसकी जिम्मेदारी आपकी है, किसी दूसरे की नहीं रहेगी। यह पुलिस प्रशासन के सामने हमने लिखित में दिया है। आप और जगह भी जा रहे हैं? हमें जयपुर और दूसरे हॉलों में, सिनेमा घरों में भी जा रहे हैं? फर्स्ट सिनेमा और जाएंगे, जिन्हें अमिताभ जो दलीप शर्मा है जिन्हें कल पत्रिका के अखबार में लिखित में आया है कि हमें गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन सुरक्षा देगा तो हम फिल्म लगाएंगे, तो हम उनको भी लिखित में दे के देना चाहते हैं और धमका के भी आएंगे कि आपने फिल्म लगाने की कोशिश की तो सुरक्षा दे, दो दिन रहेगी, तीन दिन रहेगी, आपका जो स्टाफ है या आपको, आपको हम नहीं बख्शेंगे। फिर ये धमकी मान लो या रिक्वेस्ट मान लो आप। नरेंद्र सिंह दिवड़ा, जिला अध्यक्ष श्री राजपूत कंडी सेना जयपुर। घर पे रहोगे नहीं, यहाँ तो रहोगे नहीं, फिल्म लगा के आपके घर पे कार्रवाई करेंगे। जो ओपन है आपको चले। बंसाली तेरी ताना साई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गालवी साहब संघर्ष।
देखिए मांग आप सबको पता है, एक साल से राजपूत और पूरा छत्तीस कौम हमारे साथ रोडों पे संघर्ष कर रहा है। जहां तक है हमने पिटीशन हमने भी लगाई, लेकिन हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अब तक नंबर नहीं आया गया, जबकि उसको 36 घंटे में उसके पक्ष में फैसला दे दिया गया। तो हमें विश्वास है भाई, हम कोर्ट का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये फिल्म हॉल जो मालिक हैं ये हमारे भाई हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, ये हमारा साथ व सहयोग देंगे और पूरे राजस्थान में किसी भी हॉल में पद्मावती नहीं लगेगी, ये हमें पूरा आश्वस्त है हम हमारे इन भाइयों की तरफ से। और फिर भी अगर कोई इस प्रदेश की मान मर्यादा खत्म करने के लिए, दो पैसा कमाने के लिए फिल्म लगाता है तो उसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम लड़ाई दंगे वो हम करना नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारी संयम की परीक्षा ली गई तो राजपूत अब के बाद संयम की परीक्षा में फेल हो गया, तो ये इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए बहुत बुरा होगा। अमिताभ जी, विवेक सिंह ख्याली, प्रदेश महासचिव, श्री राजपूत। देखिए रिटर्न में इन्होंने रिक्वेस्ट दिया है और हमने उस चीज को इनसे एक्सेप्ट किया है। मैं कंसर्न लोगों को ये फॉरवर्ड करूंगा, उनसे डिस्कस करके उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो आगे क्या आप फिल्म लगेगी आपके सिनेमा? देखिए ये डिसीजन, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी कॉर्पोरेट कंपनी है और हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, मैं कंसर्न लोगों से बात करके उसके बाद हम लोग देखेंगे। मैंने डेफिनेटली इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके और आगे फॉरवर्ड कर दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंसाली के नाम ले।